क्या सही है कि नहीं? तुम्हें तो सारे सही लगने हैं। दूसरा दिखाओ, दूसरे लगा कर देखते हैं। दिखाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरू कर दिया है। पता नहीं अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैंने ना अपने आप ये व्लॉगिंग वगैरह का ना काम मैं नहीं छोड़ना। हर बार मैं थोड़ा सा बनाने के बाद ना एक आध महीना बनाती हूँ वीडियोस, फिर मैं स्किप कर देती हूँ, काफ़ी टाइम के बाद फिर से बनाना शुरू करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा ना मैंने इरादा किया कि ये काम मैंने शुरू रखना है, छोड़ना नहीं है, फिर इस तरह ना मेरी सारी महीने ख़राब हो जाती है। तो आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपने ने क्या क्या किया क्या नहीं किया ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। तो आज मैंने अपनी थोड़ी सी स्किन केयर किया उसका व्लॉग भी मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा ऐड किया है। मैं घर में अपनी स्किन केयर करती रहती हूँ, कभी ना पार्लर वगैरह से तो कभी मैंने फेशियल वगैरह करवाया नहीं है। शादी पे ही करवाया था, उसके शादी को 8 साल होने वाले हैं, उसके अब तक मैंने कभी पार्लर का मुंह नहीं देखा फेशियल वगैरह करवाने के लिए। तो बस मैं घर में कुछ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। अभी मैंने अपनी ना पहले स्क्रबिंग तैयार की है, चावल का आटा लेकर उसके अंदर दही को मिक्स करके रख लिया है, वो स्क्रब हो गया मेरा। और अब ये मैं फेस पैक बना रही हूँ जिसमें मैंने बेसन लिया है, टमाटर का रस डाला है, दही डाला है और लीमू भी आधा मैंने निचोड़ा है इसके अंदर। इसके बाद मैंने ना चावल का पानी रखा होता है थोड़ा बहुत फ्रिज में, जो मैं अपने चेहरे पर हमेशा स्प्रे करती रहती हूँ, अच्छा होता है वो भी स्किन के लिए। तो ना जब पेस्ट मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो ये रोज़ वाटर की बोतल में मैंने जो चावल का पानी डाल के रखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला था। अगर ये ना होता तो इसकी जगह मैं दूध भी डाल देती। तो ये मेरा ना होममेड फेस पैक तैयार हो गया। इसका रिज़ल्ट ना कमाल का आता है। कुछ भी ना करें ना, पार्लर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी बहुत स्किन केयर हम खुद तो अपने घर में करते रहें ना तो काफ़ी अच्छी स्किन हमारी हो जाती है। तो मैंने अपनी ना स्किन केयर करनी भी ना काफ़ी देर से छोड़ी हुई थी। सर्दियाँ आ जाती ना तो बंदा था ना थोड़ा डल सा हो जाता है, कहता है ना कुछ भी करने को दिल नहीं करता, बस काम जल्दी से ख़त्म करो, जाकर ना रज़ाई में बैठ जाओ। तो मैंने सोचा भाई सर्दियाँ तो आ गई हैं, स्किन का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना अब शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ना ये काम छोड़ा हुआ था। तो मैंने ना आज अपना ना ये काम शुरू किया। मैंने कहा नहाने से पहले यही कपड़े हैं जो गंदे कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर करनी होती है तो कपड़े तो ख़राब होते ही होते हैं। तो चावल का मैंने पहले स्क्रब किया जो मैंने अभी बनाया था, उसके बाद वो स्क्रब लगाने के बाद मैंने ना फेस पैक लगा लिया था। फेस पैक लगा के ना वो जल्दी ड्राई तो होता नहीं है, उसको आधा घंटा तो लगा के रखना ही होता है तकरीबन। मैंने सोचा जब तक ना बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे तो मैं ना तब तक ना उनके लिए ना मीठे चावल बना कर लेती हूँ, क्योंकि और कुछ तो शौक से खाते नहीं है। चलो मीठे चावल तो ना शौक से खा लेते हैं, दोपहर का टाइम है सब लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं मीठे चावल बना रही हूँ। फेस पैक अभी भी मेरे मुँह पर लगा हुआ है, मैंने धोया नहीं है। बस ऐसे ही अपनी स्किन केयर करती हूँ, साथ साथ घर का काम भी हो जाता है और साथ साथ ना स्किन केयर भी हो जाती है। तो ये जब पुराने वाला चावल का पानी ना ये मैंने फेंक दिया, क्योंकि नवे चावल पकाने के लिए रखे हुए हैं ना, मैंने जो पानी उसके अंदर है वो वाला पानी मैं इसके अंदर डालूँगी, पुराना पानी मैंने फेंक दिया। तो बस बोतल का पानी मैंने फेंक रहा, एक दफ़ा बोतल को वॉश करके इसके अंदर नया पानी डाल दिया है। और इसको अब ना अच्छे से बंद करके ना फ्रिज में रख दूँगी और ये ना मेरा टोनर तैयार हो गया है। तो बस पानी को मैंने फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पर मैं चावल थोड़े से चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ कि ना मीठा मीठा बराबर है, चावलों का दम लगा दिया है। अभी मैंने दम ही लगाया था कि बेटा मेरा स्कूल से आ गया, आते ही बस बैग कहीं जूते कहीं बस उसकी ना अपनी कहानियाँ शुरू हो गई हैं, मामा ये दे दो मामा वो दे दो, आते ही इसने कोई ना कोई अपना ना पंगा डाल लेना होता है। तो बस ये आ गया, मैं कहा तुम बैठो, मैं ना जल्दी से अपना ना फेस वॉश करके आती हूँ, मुँह पर मेरे ये लगा हुआ था। तो बस यहाँ पर आकर मैंने जल्दी से जो फेस पैक लगाया हुआ था ना उसका पहले थोड़ा सा मसाज किया है, मसल उसको हाथों से उतारा है। तो यहाँ पर मुझे अपना चेहरा काफ़ी अच्छा निखरा हुआ लग रहा था। तो इनको ना मैंने सोचा पहले ना चावल वगैरह ना खिला देती हूँ, खिलाने के बाद फिर मैं जाके नहा लूँगी और तब तक मेरे शोर भी आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाएंगे। तो बस चावल मेरे पक गए, अभी ये मैं बच्चों को देने लगी हूँ, उसके बाद बाकी का व्लॉग भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। इधर से उठा के ले जाओ,
अपना चावल ले जाओ। अच्छा दोनों तो उस वक्त गर्म गर्म है, बेड पे बैठो मैं आके आती हूँ। अच्छा चलो तुम्हें अपना फिर उठाओ चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। किसकी हैप्पी बर्थडे कर रहे हो? हैं आप मेरी? तुम्हारी हैप्पी बर्थडे नहीं आनी अभी, बहुत दूर है। तो फेशियल वेशियल करने के बाद मैं बच्चों को खाना शलाना खाने के बाद ना नहा धो के सिर में आ गई थी यहाँ पर आकर अपने शोर का इंतज़ार कर रही थी। वो भी आने वाले हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि बस 10 मिनट तक आ रहे हैं, तुम लोग बाहर आओ। यहाँ पर शोर भी आ गए मेरे, अब हम लोग जाएंगे वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। रुक रहे हैं, तकरीबन 4-5 बजे का टाइम होने वाला है और हमें आते आते काफ़ी अंधेरा भी हो गया था जब हम गए थे। तो रास्ते में मौसम भी काफ़ी अच्छा था, जाने का भी बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर बच्चों ने इतना तंग किया ना, ये भी ले दो ये भी ले दो, इतना तंग किया था ना, तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से रात भी हो गई थी, तो बस हमारा था कि हम जल्दी से जाएं, जो भी ज़रूरी चीज़ें ना वो लेकर जल्दी से घर आ जाएं। लेकिन फिर भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था घर आते वक्त, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, जो भी चीज़ देखते थे ये भी ले दो, चाहे वो इनके पास घर में पहले से थी या नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने हमें बहुत तंग किया है। अगली दफ़ा मेरे शौक कह रहे थे कि अगली दफ़ा इनको नहीं लेके आना सर, खुद ही आना है। तो मैंने कहा पहले आज तो लेना, बाकी का बाद में देखें। तो यहाँ पर हम सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। दिखाओ बच्चे ने फैंसी, खड़ी हो जाओ। तू कहना मैं तो ले लूंगा तो ले लेना। अजी हाय, आ मुझे बताओ क्या लेना है। चलो शेयर कर बता कर एडिट कर मैं जिस तरह से शेयर कर बता कर दिखाओ मुझे। क्या छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ जाने आ जाओ। अपना मम्मा जी इसको इधर रख दो आ जाओ। तेरा नाम ले आके नहीं गया मेरा आवाज ये दूसरे को खबर आ रही तेरी को मिल ले चलाओ भैया। इतनी मॉर्निंग में आना, हम आपको नहीं रख सकते सर। शॉपिंग करने के बाद बच्चों को बड़ी मुश्किल से ना घसीट घसीट के हमने बाइक निकाला है। यहाँ पर हस्बैंड अपनी बाइक लेने के लिए गए हैं, तो मैंने सोचा यहीं पर आज के ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।